अंक ज्योतिष, जी हाँ, आज बात करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो कई बार मैं अपने जानकार एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजर से बात करती हूँ, तो कई बार ये समझ आता है कि लोग कंफ्यूज हैं, कि कई लोगों ने देखा है कि भी दूसरे की प्रैक्टिस के बारे में सुना कि वो लोग तो सफेरियल सिस्टम फॉलो करते हैं, भाई वो लोशो ग्रिड फॉलो करते हैं, कौन सा सिस्टम फॉलो करें, न्यूमरोस्कोप के लिए आप सफेरियल फॉलो करें या लोशो ग्रिड बनाएं। कई बार लोग इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि नेम सिस्टम के लिए यानी नेम नंबर निकालने के लिए शेल्डियन सिस्टम फॉलो करें या फिर हम सफेरियल सिस्टम फॉलो करें, क्या करें, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो सबसे यानी कि जब आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सबसे पहले आप सब सिस्टम के बारे में अच्छे से जानिए, उनके बारे में सीखिए, हर एक सिस्टम से नंबर कैलकुलेट करना सीखिए, साथ ही में उसके बाद अपनी रिसर्च करके और फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए फिक्स करें कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे। अपनी रिसर्च करके अपने आसपास के लोग जिनको आप जानते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वर्क करके फिक्स कीजिए आप कौन सा सिस्टम आजीवन फॉलो करेंगे। मैं अपनी एडवाइस आपको दूं तो मैं फॉलो करती हूं लोशो ग्रिड, और नेम सिस्टम के लिए, नेम नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं कीरो यानी कि शेल्डियन सिस्टम फॉलो करती हूं।